हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं शोभा पाठक, आप लोगों का स्वागत है मेरे किचन में। आज हम पोहे का रेसिपी बनाने जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट रेसिपी है और देखिए बहुत ही अच्छा रेसिपी है, टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। तो चलते हैं बनाने के लिए। ये हम और मटर भी डालेंगे हम पोहे में। मटर वाली पोहे बना रहे हैं। ये पोहे को हम धो के, दो पानी से, तीन पानी से धो के इसको हम रख लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए बनाने के लिए शुरू कर रहे हैं। और फटाफट बन भी जाता है ये रेसिपी, तो चलते हैं बनाने के लिए। अब इसमें हम एक डेढ़ चम्मच तेल डाल देंगे। इसको गर्म होने देते हैं। गर्म हो चुका है तेल, इसमें अब हम मूंगफली डाल देते हैं। मूंगफली कहिए या सेंगदाना कहिए। अब इसमें हम हाफ चम्मच जीरा डालेंगे, हाफ चम्मच सरसों, राई, मोड़ी। अब इसमें हम ये करी पत्ता डाल देंगे। इसमें हम अब आप प्याज डालिए बारीक कटा हुआ। साथ में ही हम मटर डाल देते हैं क्योंकि मटर भी पकेगा। और मिर्ची भी डाल देते हैं। सबको हम थोड़ी देर भून लेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे, सबको पका लेंगे प्याज और मटर को। इधर हम पोहे में थोड़ा सा हल्दी और नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिए। इसमें थोड़ा सा चीनी डालेंगे और सबको हम मिला लेंगे। इधर भी थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और नमक। थोड़ा सा धनिया पत्ता। काजू भी डाल देते हैं। अब इसमें ये पोहा जो फूला हुआ है चूरा, वो डाल देंगे। धनिया पत्ता, किशमिश वो भी हम काट दिए हैं, इसको दो तीन टुकड़ा कर दिए हैं काट कर। इसको हम मिला लेंगे अच्छी तरह से, गैस कम करके मिलाएं। ये नाश्ता तुरंत बन भी जाता है और बच्चों को अच्छा भी लगेगा। पोहा बनाए हैं लेकिन हम थोड़ा डिफरेंट बनाए हैं। ये इस तरह बनारस में बनता है पोहा। अब इसमें हम नींबू का रस डाल देंगे हाफ। अब गैस को हम बंद कर देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा नारियल का बुरादा, और थोड़ा सा मिक्सचर, सेवैयां बारीक वाली, किशमिश भी थोड़ा सा बचा हुआ है वो भी डाल देते हैं।
अगर आपके पास बुरादा नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी आप बना के खा सकते हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ता ऊपर से डाल देते हैं, हो गया, आप लोग बना के खाइए। ये बहुत ही, ये सुबह का नाश्ते का बहुत ही अच्छा है रेसिपी। तो चलिए, आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।